My beautiful children, first of all, a very, very happy Diwali to my loveliest students. I'm sure you watch the various Diwali wishes from the entire Akash Bhaiju's Meet team on the channel. Yeah, people, it's a very auspicious occasion. This festival is of light, love, a lot of blessings, a lot of all the best that we need and we look for. तो आज तहे दिल से मैं आपको सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूं कि मेरे सारे के सारे हार्ड वर्किंग बच्चे अगली दिवाली तक मेडिकल कॉलेज में पैर रख चुके हों तो आज का जो बायो का रणनीति सेशन है इट इज अबाउट जिम्नोस्पर्म्स हाँ बायो की रणनीति इज द मोस्ट पावर पैक्ड एंड फ्यूअल सीरीज रनिंग ऑन आकाश बाइजूज नीज चैनल एट दिस मोमेंट उसी के साथ साथ हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं विद एवरी पेज उन सेशन में मैं एनसीआरटी का पेज नंबर भी मैंशन कर रही हूँ ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ बॉटनी कि इस पेज नंबर पे ये डायग्राम है और इसमें से ये क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन हमने सिर्फ किताबों से नहीं लिया है इट इज नॉट अ कॉपीड क्वेश्चन इट इज मेड एक्सक्लूसिवली बाय द अमेजिंग टीम ऑफ आकाश बाईजूज नीट चैनल तो बच्चों रेडी हो जाओ जैसे हमेशा रेडी होते हो रणनीति क्लास में कैसे रेडी होते हो कलम पेन और ढेर सारा ध्यान लगाकर राइट तो शुरू हो जाते हैं मुझे पता है आप लोगों की दिवाली सेलिब्रेशन है आज घर में दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है हम इंडियंस के लिए जब हर कोई अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है लॉट ऑफ़ रेलिटिव एंड फ्रेंड्स कम इन तो मैं सेशन थोड़ा छोटा रखूंगी मैं समझती हूँ लेकिन आपकी तैयारी में ब्रेक नहीं आना चाहिए इसलिए ये सेशन आपको अटेंड करना ही चाहिए हाँ क्योंकि वी कैन नॉट ब्रेक अवर कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन उससे पहले एंथी के लिए ज़रूर रजिस्टर कीजिए नवंबर में दिवाली के बाद पूरे यू नो पॉजिटिविटी जोश के साथ इस टेस्ट को जरूर दीजिए ऐसा मत समझिए कि मेरी तैयारी नहीं है आई शुड नॉट सिट फॉर द टेस्ट यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली सिट फॉर द टेस्ट ओके पीपल तो एंथी के लिए रजिस्टर कीजिए द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अलावा आप जानते हैं भली भांति जानते हैं कि चैनल पर देर आर सो मेनी सीरीज रनिंग है ना मिशन एम बी बी एस सीरीज इज फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स विद ऑल योर फेवरेट एंड अमेजिंग टीचर्स है ना भाई सही बात है तो यहाँ पे भी रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए अपने आप को पीछे ना रहने दीजिए जब तक आकाश बाईजूज नीट की टीम आपके साथ है राइट right, पीपल इसी के साथ दे इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच टेक्स यू टू द स्टूडेंट सर्वे फॉर्म माई चिल्ड्रन उस स्टूडेंट सर्वे फॉर्म में अपनी वैल्यूएबल देखिए ये चैनल आपके लिए है आपसे है आपकी हर हर बात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप हमें थैंक्स करते हैं जब ग्रेटफुल होते हैं या आपके कोई सजेशंस हैं कि चैनल पर ये होना चाहिए ये ऐसे हो सकता है इससे मुझे नहीं सबको मदद मिलेगी अगर आपका वैसा विजन है अगर आपका दिमाग ऐसा कुछ सोच रहा है तो हमें जरूर अपने दिल की बात दिमाग की बात इस स्टूडेंट सर्वे फॉर्म में लिख बताइए बेटा बेस्ट है अपना स्केड्यूल चैनल के स्केड्यूल के साथ जोड़ लो और ऐसा ना हो कि मैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई है जिसमें से वो अब खुद आकाश भाई जो टीम की नीट की टीम खुद क्वेश्चंस बना रही है बायो के फ्रॉम एवरी डायग्राम ऑफ एनसीआरटी तो इस तरह के सेशंस हमारे मिस नहीं होने चाहिए इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए दिस इज द कोड मैं आपको बता दूं कि आकाश बाईजूस नीट का <coughs> एक्सक्यूज मी आकाश भाई भाईजूज नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप तो है ही जिसमें सारे टीचर्स हैं बायो की रणनीति का आप टाइप कर सकते हो अलग टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सचिन सर और मैं दोनों हैं। तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा वहां पर आपको जैसे कि आज रणनीति का सेशन है उसके नोट्स भी मिलते हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती है बिकॉज यू हैव लाइकड एंड सपोर्टेड बायोर की रणनीति सीरीज सो मच इस सेशन को लाइक कीजिए और सबके साथ आज दिवाली के मौके पर दिवाली का मौका ही ऐसा है त्यौहार तो ही ऐसा है हम क्या करते हैं मिठाइयाँ बांटते हैं मिठाई इज जस्ट अ सिम्बल ऑफ लव पॉजिटिविटी वी आर इन अ स्पेस ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस स्प्रेडिंग जॉय बिकॉज दैट इज द इट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स तो वो जॉय सबसे बड़ा गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हो ना तो वो नॉलेज है सही नॉलेज वो अगर मिल जाती है तो उससे लाइफ थ्री सिक्सटी डिग्री बदल जाती है है ना तो चीज़ें तो हम गिफ्ट में देते ही रहते हैं दिवाली पर मिठाई कपड़े खिलौने बच्चों को और पता नहीं क्या क्या लेकिन ए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है कि किसी को सही टीचर के पास ले जाकर सही नॉलेज दे देना तो इस सेशन को आज के मौके पे शेयर करोगे तो खूब ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप लोगों को राइट right? और लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप आज हमें पहली बार देख रहे हैं दूसरी बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी फेवरेट मैम के लिए अपने फेवरेट टीचर्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अब बच्चों हम प्लांट किंगडम में काफी लंबी जर्नी कवर कर चुके हैं अब तक है ना हमने लास्ट वीक जब हमारी बॉटनी की मंडे को भी क्लास हुई वेंसडे को भी हुई फ्राइडे को भी हुई रणनीति की क्लास तो अपन ने ब्रायोफाइट्स को बड़े स्लोली बड़ा उधेड़ उधेड़ कर जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ हमने ब्रायोफाइट्स को कवर किया उसके बाद हमने टेरिडोफाइट्स की भी बात की है ना भाई आज हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे जेनेरिक फीचर्स की बात करेंगे भाई अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ ना तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को बच्चों ये मैंने मिशन एमबीबीएस में भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई है ऑल दो एनसीआरटी बोलती है क्लासिफिकेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन वो इतना जरूर कह देती है कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बच्चा लोग आर दी स्पर्टोफाइट्स यानी कि दे आर द जिम्नोस्पर्म्स बिकम द फर्स्ट लिखते जाओ मेरे साथ सीड प्रोड्यूसिंग स्पर्मा मीन्स स्पर्म मीन सीड इन प्लांट्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाकी अगर मैं वैस्कुलर बंडल्स की बात करूं तो वो तो टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि थे ही सही बात है तो आज हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे पहली बार इवोल्यूशन में सीड्स आए तो एनसीईआरटी बोलती है बच्चों ध्यान से देखना एनसीईआरटी में और अपनी नोटबुक में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन लिखेंगे एक पेन से एक कलर से और फिर आंसर लिखेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाती जाऊंगी जिम्नोस्पर्म जिम्नोस वर्ड का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म वर्ड का मतलब होता है सीड आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि प्रीवियस ईयर नीट में यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जिम्नोस का मतलब क्या होता है? दैट इज हाउ एडियर द पेपर इज टू एनसीआरटी क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स का एसेंस इस चीज में कहीं छुपा है कि ये नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं नेकेड का क्या मतलब है नेकेड का मतलब ये है दीज आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स भाई ओव्यूल क्या है ओव्यूल इज द सीड बिफोर फर्टिलाइजेशन जितने लोग मुझसे मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं आपको ये टर्म्स मैंने क्लियर किए मैं कैसे बोलती हूं कैजुअली सीड इज प्रेग्नेंट ओव्यूल या बोल लो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल तो ओव्यूल इज द अनफर्टिलाइज सीड ये भी बोल सकते हैं अब आज जो हम एंज स्पर्म्स के सीड्स हमारे पास आते हैं दे आर इंक्लोज इन द फ्रूट मैंगो ले लो फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल भाई वॉट इज ओवरी भाई इट इज द अनफर्टिलाइज अन फर्टिलाइज फ्रूट मैं सिर्फ रिवर्स में बात कर रही हूं है ना तो भैया मेरे पास सीड बन रहा है जिम्नोस्पर्म्स में यानी कि मेरे पास ओव्यूल भी है जितने लोगों को एंजियोस्पर्म्स की कहानी मालूम है तुम अब रिवर्स में पढ़ रहे हो क्योंकि प्लांट किंगडम इज अबाउट नोइंग द इवोल्यूशन, लेकिन तुम अब पीछे वाला ग्रुप पढ़ रहे हो मान लिया कि तुम एंजियोस्पर्म्स को सबसे अच्छी तरह जानते हो दे आर नॉट इनक्लोज तो भाई इनमें कभी फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी सो हम बोलते हैं एनजियोस्पर्म एक्सक्लूसिवली फ्लांट्स वे आर ऑल्सो द फर्स्ट प्लांट विच आर फ्रूट पेयरिंग ओके सो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ ये सबसे फेवरेट लाइन है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही है मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जायकोट बना रहे एम्ब्रियो बना सीड बना वेरी गुड लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद भी उस सीड को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ये रीजन था कि जिम्नोस्पर्म्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने एंजियोस्पर्म्स हो पाए क्योंकि सीड विच इज कैरिंग द एम्ब्रियो फ्यूचर जनरेशन इज नॉट इनक्लोज और क्वेश्चन टू जो कि तुम्हारा बड़ा नया और एक्सपेक्टेड पैटर्न है स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे ना नीट दो हजार बाईस में नीट दो हजार बाईस का पेपर सॉल्व करा होगा तुम लोगों ने देखा होगा आकाश भाई जो उसने चैनल पर हमने पेपर सॉल्व किया था है ना? तो जब तुम वो पेपर सॉल्व करते हो हर एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें से जिम्नोस्पर्म्स को लेकर कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है भैया उठा के बता दो सिंपल तो ये बन जाएगा तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट क्वेश्चन आई बात समझ में सबको The seeds that develop post fertilization are not covered. बार बार वो इस बात पे एम्फोसाइज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द एसेंस दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स दैट दे आर द फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बट द सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट द सीड्स आर नेकेड सो नेकेड सीड्स को उसने समझा दिया है अब ये कहां पे मिलते हैं भाई ये मिलते हैं आपको पहाड़ों में राइट right? ये आपको टेम्परेट में मिलते हैं चलिए वो तो हैबिटेट हो गया को स्टिक करते हैं अच्छा एनसीआरटी ये बायो की रणनीति में हम एनसीआरटी को डी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के कर रहे हैं लेकिन अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है है ना तो यू कैन ऑलवेज गो टू द प्लेलिस्ट ऑन आकाश भाई जूस नीट चैनल दिस स्मार्ट प्लेलिस्ट उसमें आपको प्लांट किंगडम के सारे लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है ठीक है तो आप वो रेफर कर सकते हो जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स इसका पता क्या मतलब है कि प्लांट्स को आपको याद होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया था हर्ब्स मिनट हर्ब्स यानी कि ग्रास लाइक प्लांट्स सबसे छोटे प्लांट्स फिर उन्होंने कहा श्रब्स विच आर मिडिल साइज प्लांट्स एंड देर आर ट्रीज द टॉलेस्ट प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स नहीं होती हाँ आपको मोस्टली मिडिल साइज यानी कि झाड़ियां श्रब्स मिलेंगी और इन फैक्ट द टॉलेस्ट ट्रीज बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। इसमें से ये सवाल बहुत आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तो यहाँ पे मैम ने क्या किया तीसरा एमसीक्यू बना दिया हाँ तीन क्वेश्चन हमने निकाल लिए इन लाइनों में से दिस इज एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन क्या है भाई कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसी सारे पेड़ों में टॉलेस्ट ट्री कंसिडर किया जाता है बोटेनिकल नेम भी दिया है तो ये आप एग्जाम्पल याद रखें और ये जो बात है इसको हमने हाईलाइट क्यों किया है बिकॉज दिस इज टेलिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इन द ग्रुप हम जेनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आपको हर्ब्स नहीं मिलेंगी अब फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अभी अभी हमने बात की है तो अभी तक जिम्नोस्पर्म्स की इंट्रोडक्शन से ये काफ़ी अच्छा एमसीक्यू बन जाता है अब यहाँ पे तो ये बड़ा आसान है लाइन पड़ी और एमसीक्यू निकल गया लेकिन जब ये नीट के पूरे जोलॉजी बॉटनी के पेपर में मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अब देखो ये कितना इजी हो गया अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात कर रही हूं तो भैया उसमें तो सीड्स नहीं होते तुम्हें एक बात एक धुन तुम्हारी सिर में चलनी चाहिए फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म्स फर्स्ट वैसक्युलर प्लांट्स आर टेरिडोफाइट्स तो ये जिस भी ग्रुप में फर्स्ट वाला आ जाता है ना इसका मतलब उस ग्रुप ने उस प्लांट ने लीप ली है एवोल्यूशन में तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये तो मेरे बच्चों के लिए ईजी है अब हम आगे चलते हैं बिना किसी डर के आगे आंसर जिम्नोसपर्म सबका आ गया वेरी गुड अब देखो हमने उसके हैबिटेट की बात की कि भाई टेम्परेट रीजन्स में पहाड़ों में मिलता है और सीड प्रोड्यूस करता है उसकी हैबिट कैसी है कैसे ग्रो करता है कितनी हाइट अटेन करता है अब हम उसकी रूट की तरफ आते हैं तो आप देखो जैसे एनजीओ में डायकॉट्स में टैप रूट है वैसे जिम्नोस्पर्म्स में जनरली आपको टैप रूट मिलती है दिस इज अ डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसको मैंने ट्रू फॉल्स में आते हुए भी देखा है 2020 या 21 के पेपर में कि भैया एडवेंटेश रूट्स आर एबसेंट ये मैंने देखा है क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर आपको भी मिल जाएगा शायद इस बार भी जिक्र था कि भैया एडवेंटेश रूट्स नहीं होंगी Fibrous roots नहीं होंगी। इसके पास अच्छी खासी है। 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 अच्छा tap root ना काफी जैसा कि मैंने angiosperms में में तो tap root से ये efficiently water को absorb कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि gymnosperms usually conditions में ग्रो करते हैं पहाड़ों में पानी की अवेलेबिलिटी इज अ चैलेंज क्योंकि विंटर्स में तो पानी जमा हुआ है, है ना तो जीरो फिटिक कंडीशन की एक ही अडेप्टेशन है मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस मिशन एमबीबीएस क्लासेस में बताया है कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसा मानते हैं बॉटनिस्ट कि जिम्नोस्पर्म्स आर मोर वेल अडेप्टेड टू तो जीरो फिटिक कंडीशन दे आर वेरी पॉपुलर फॉर दैट हाँ सो दिस इज वन ऑफ द ये देखो टैप रूट ऑफ पाइन ट्री दिखाई गई है आप पहाड़ों में जंगलों में अगर जाओगे ना किसी भी एरिया में किसी भी हिली रीजन में आप जाओगे आपको भरपूर कॉमनली आपको पाइन ट्री मिलेगा कॉमनली मिलेगा विद अ वेरी टॉल ट्रीज ठीक है और इनकी अच्छी खासी टैप रूट्स मिलेंगी और आपको साइकस भी मिलेगा अब रूट्स के बारे में जो ये वाला पैराग्राफ है जो ये तीन चार लाइन है बच्चों मैंने इसमें से क्वेश्चन आता हुआ कई सालों से देखा है नॉट ओनली नीट जिस जमाने में ए आई होता था तब से माइक्रोराइजा कोरोलॉयड रूट्स माइक्रोराइजा कोरोलॉयड रूट्स क्योंकि बेटा जब भी एक हायर स्पीशीज लोअर स्पीशीज के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है ना तो वो इकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी एक स्पेशल बात हो गई कि भैया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम किंगडम माइकोटा पढ़ते हो वो भी आ गया यहाँ पे तुम साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हो मोनेरा में वो भी आ गया यहाँ पे तो ये उस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट है इधर भी इंपॉर्टेंट हो गया और इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट हो गया तो ये कॉन्सेप्ट को मैं एक बड़ा सा स्टार लगाऊंगी स्टार ये ढंग से बना नहीं है एज यूजल स्टार मेरे से बनता नहीं है।, है ना अब तुम एक सुंदर सा स्टार एनसीईआरटी में आ? ताकि तुम्हें जब-जब तुम रिवाइज करो माम, हो ना हो कुछ भी हो रहा हो तुम्हें याद हो कि भैया ये वाला जो टॉपिक है इसमें से मैम बोल रही हैं ऐसा कोई साल उन्होंने देखा नहीं है कि किसी ना किसी तरह से तरीके बहुत है क्वेश्चन ना आया हो चार सवाल मैम ने निकाल दिए पांचवा एमसीक्यू आपके लिए रूट्स इन सेम जेनेरा जीनस स्पीशीज है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा राइजा इज रूट माइको किंगडम माइकोटा इज फंगस अच्छा पाइनस में मिलेगा माइकोराइजल रूट्स ट्री में क्या मिलेगा माइक्रोराइजल्ड रूट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा अब इस सिम्बायोटिक रिश्ते में फंगस को मिल रही है घर शेल्टर शुगर और पाइनस को मिल रहे हैं कुछ ऐसे स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो अपनी डीकम्पोजिशन एक्टिविटी से फंगस ही सोइल में से निकाल सकती है ठीक है व्हाइल इन सम अदर्स साइकस ये दो मेजर जिम्नोस्पर्म्स आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स नहीं पढ़ने हैं एक्सटिंक्ट वाले नहीं पढ़ने हैं। आपको साइकाडोफाइटा साइकस के बारे में कॉनिफेरोफाइटा पाइनस के बारे में पढ़ना है बस अब करंट सिलेबस इतना हो चुका है वो कह रहा है साइकस में प्लीज इन एग्जांपल्स को इन डिफरेंसेस को मैं तुम्हें बताऊं पाइनस साइकिल्स के डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट दे आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कॉरलॉइड रूट्स इन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो साइकस से सी है सी से ही कॉरलॉइड रूट्स है कॉरलॉइड रूट्स का मतलब है दीज आर वाइट कलर्ड रूट्स ये वाइट कलर की हो जाती हैं ये देखो वाइट कलर्ड रूट्स कोरल लाइक कोरल आर ब्लीच और वाइट इन कलर तो ये साइकस की रूट है और पाइनस की रूट धागों जैसी होती है क्योंकि उन धागों में उस रूट में रह रही है फंगस अब वाइट कलर्ड रूट्स में कोरल लाइक रूट्स में आपकी साइनोबैक्टीरिया रहती है ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबीना एंड नोस्टॉक ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो एनाबीन और नॉस्टॉक ग्लूरीनाइल साइनोबैक्टीरिया इज नाइट्रोजन फिक्सिंग इनके पास आपको पता है दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सही बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन हिट्रोसिस्ट होता है इनके पास यहाँ पे सिम्बायोटिक रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करके देती है और इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़ी ही क्रिटिकल चीज़ है राइट right? हम एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ते हैं द स्टेम रूट की बात हो गई रूट क्या स्पेशल काम कर रही है वो बात हो गई अब ये जो स्टेटमेंट है इससे नीट में रीसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चन आया है जिम्नोस्पर्म्स जैसा कि मैंने कहा है प्लांट किंगडम कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज जिम्नोस्पर्म में से एक एमसीक्यू बनता है एक एमसीक्यू आपका ब्रायोटेरिडो से भी बनता है एक आपका एल्गी से बनता है तीन सवाल इसी तरह से हो गए ठीक है द स्टेम्स आर अनब्रांच साइकस में साइकस आपको यहाँ पे भी प्लेन्स में भी कई लोग ग्रो करते हैं हाँ तो यहाँ पे आपको अनब्रांच स्टेम मिलेगी साइकस की साइकस की उतनी हाइट नहीं होती है जितनी पाइन ट्रीज की होती है पाइन ट्रीज आर द टॉल ट्रीज अगर आप माउंटेन्स में जाओगे साइकस को आप पॉटेड प्लांट भी ट्रीट कर सकते हो इट कैन बी ग्रो मेरे तो घर में है साइकस तो अनब्रांच साइक् और ब्रांच होते हैं आपके कॉनिफर्स पाइनस और सिट्रस क्या है कॉनिफर्स हैं तो बेटा ये सारे डायग्राम्स या आपकी आपको इमेजेस इसीलिए दी जाती हैं ताकि आपकी विजुअल मेमोरी बन जाए तो सातवां क्वेश्चन क्या है कि भैया याद रखना अच्छा मैं अगर तुम्हारी जगह हूं तो आई विल फॉर्म अ डिफरेंसेस की लिस्ट एक जगह लिखो पाइनस एक जगह लिखो साइकस उसको रिवाइज करते जाओ क्योंकि यहाँ पे काफी स्टार्किंग डिफरेंसेज हैं है ना तो साइकस में अनब्रांच हो गई पाइनस और सिडरस में ब्रांच हो गई अब हम लीव्स की बात करेंगे देखो हमेशा जैसे-जैसे आप higher, uh, groups में higher division में जा रहे हो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की, की, की बात करते हैं है, तो में भी सिंपल और कंपाउंड जिनको जिन्होंने फॉर्म्स की पढ़ाई की है उनको पता है कि दिस इज अलव एंड हियर

नैरो फेदर लाइक अपियरेंस होती है लीव्स की जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में हमारा नीम का पत्ता होता है राइट right? तो ये पिनेट कंपाउंड लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स अच्छी खासी जिंदगी होती है इनकी क्यों क्योंकि इनके पास जीरो फिटिक अडेप्टशन हैं इनके लीव्स काफी होशियार हैं द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म देर यू गो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स दे आर वेल अडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्स्ट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड ट्रस्ट मी पीपल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी तीन एक्सट्रीम कंडीशन एनवायरमेंट की ये झेल रहे हैं ये झेल रहे हैं दिमाग लगाओ कॉमन सेंस लगाओ वहाँ पे पहाड़ों में एक्सट्रीम टेम्परेचर है ड्राई टेम्परेचर है उसके बाद ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है उसके बाद विंड कर वहां पे कई बार स्टॉम्स आ जाते हैं बर्फीली हवाएं चलती है वहां पे सो so, ये सब कुछ विथ स्टैंड करने के लिए ऐसी इस तरह से अपनी शेप बना के रखते हैं लेकिन देर आर अदर फीचर्स ऑल्सो लेट्स गिव इट इन कॉनिफर्स कॉनिफर्स कौन हो गए भाई पाइन ट्री ये याद रखना इन पाइनस द नीडल लाइक लीव्स बिल्कुल शार्प कॉनिफर्स में पिनेटली कंपाउंड लीफ है लेकिन अगर वो एग्जाम में दे देता है इसको मैं एक और क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन अगर वो बोलते हैं स्पेसिफिकली बिल्कुल ही आपको पता है पाइन ट्री को अगर आप छूगे ना मैंने तो ये सब किया हुआ है वो स्लीव से आपको कट लग सकता है उंगली पे दे आर एक्चुअली थिन लाइक नीडल दे आर शार्प लाइक नीडल और वो जीरो फिटिक अडेप्टेशन है क्यों क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं करवानी है भाई जब पहाड़ों में सनलाइट निकलती है गर्मियों में हाँ, तो अच्छी खासी सनलाइट निकलती है मुझे ट्रांसपिरेशन नहीं करवानी सो नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया फॉर और सर्फिस एरिया फॉर मैं लिख देती हूं यहाँ पे ट्रांसपीरेशन ठीक है तो ये पाइन ट्री की मॉडिफिकेशन बता रहा है अदरवाइज भी आ, आपको साइकस में भी पिनेटली कंपाउंड लीफ मिल रहे हैं देर थिक्यूटिकल सेकेंड मॉडिफिकेशन एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प तो ये क्वेश्चन आया करता है वॉट आर द्री मॉडिफिकेशन विच आर मेनली सीन इन जिम्नोस्पर्म्स फॉर दे जीरोफिटिक कंडीशन थिक्यूटिकल वैक्सी क्यू वैक्सी सर्फिस हो गया संकन स्टोमेटा क्या होता है संकन स्टोमेटा इज कि भैया अब स्टोमेटा एपिडर्मिस पे नहीं है आपने अनाटमी अगर पढ़ी है तो यूजली स्टोमेटा कहाँ होते हैं यहां पे होते हैं एपिडर्मिस पे होते हैं स्टोमेटा और एपिडाम स्ट्रक्चर अब हमने क्या किया है स्टोमेटा को एपिडर्मिस पे ना रख के अंदर वाली लेर्स में थोड़ा सा डीप बना दिया है थोड़ा सा डीप बना दिया है आप इतना इन डीपर लेअर्स ऑफ लीफ इन डीपर लेस ऑफ लीफ सही बात है अब ये यहां पहुंच गए हैं सर्फिस पे नहीं है तो ट्रांसपेरेशन कम होगी तो लीव दो तरह के हो सकते हैं स्केली स्केलीवर नॉन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक वेरी थिन पेपर लाइक नॉन फोटोसिंथेटिक ब्राउन थिक टफ एंड नीडल लाइक और फिर होते हैं फोलिएज लीव्स विच आर स्टिल नीडल लाइक बट दे आर फोटो फोलिएज में सिंपल लीव जिंको में होता है जैसे की जिंकोबाइलोबा मैंने आपको मिशन एम में बताया है और सिड्रस में जैसे कि पाइन ट्री और सिड्रस कॉनिफर्स में इस तरह के दिखेंगे The, this is what is compound leaf. सही बात है चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा कॉनिफर्स आर अडेप्टेड नीड दो हजार सोलह का क्वेश्चन है ये कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू तो टॉलरेट तो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस

राइट right? अब हमने टेरिडोफाइट्स में आ, देखा कि कैसे आ, आ, होमोस्पोरस थे कुछ हीट्रोस्पोरस थे हमने स्पोर फॉर्मेशन देखी अ, अब हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है राइट हाउ इट हैज़ इवॉल्व वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जिसमें मैं लाइव आऊंगी ये जो जनरल फीचर्स हैं इनको आ, 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 पाइनस और साइकस के डिफरेंसेस लिखते हुए जरूर रिवाइज कीजिएगा And I will see you in the next class. Till then, take care. Happy Diwali once again and keep smiling.